Hey guys, this is BHU'S Logic Chan. I'm your Srinath BHU, and you're watching BHU News. बेसिकली BHU News में मैं ट्रेंडिंग और न्यूज की चीजें बताऊंगा अपने तरीके से, हो सके तो मजाक के साथ। तो चलते हैं अपने पहले न्यूज पे। अपना पहला न्यूज आ रहा है राधे माँ से। हाँ, इट्स अ प्योर एंड पायस न्यूज। आई एम प्योर एंड पायस। एक जर्नलिस्ट राधे माँ के पास गई और पूछी कि महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, मीटू मूवमेंट भी है और नाना पाटेकर आलोकनाथ जी के खिलाफ मतलब केस भी हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते। और राधे माँ ने ये बोला, गलत हो रहा है पर मैं चाहती हूँ कि जब अत्याचार हो औरतों को, जब अत्याचार हो औरत उसी टाइम अपना उठाए। ठरकियों, डबल मीनिंग में मत सोचो, जिम्मेदारी की बात हो रही है यहाँ पे, वो जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे सीरियस टॉपिक्स पे मजाक नहीं करना, नहीं करना, जिम्मेदारी की बात हो रही, उठाओ। तो अगला न्यूज आता है ड्यूरेक्स से। हाँ, वही कॉम कंपनी ड्यूरेक्स से। ये मी टू कैंपेन के सपोर्ट करते हुए ड्यूरेक्स ने एक वीडियो रिलीज किया था। ड्यूरेक्स तुम्हारे मार्केटिंग वाले मस्त है, क्योंकि ये मैं अकेले इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब FB का डेटा लीक चल रहा था तब वो लोग ने ये निकाला। वेरी गुड, कंग्रेट्स। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज नॉर्मल न्यूज नहीं है, ढिंचाक न्यूज। ढिंचाक न्यूज, आपके कानों के चप्पर फाड़ के चप्पल खाने वाली ढिंचाक पूजा ने नया गाना निकाला। मतलब स्वैग वाली टोपी, दारू दारू, सेल्फी मैंने ली जी, बापू दे दे थोड़ा कैश, बीच में कोई और दुलो का स्कूटर, ये सारे गाने डालने के बाद को लगा कि हाँ मैं और एक गाना भी डालूं। स्वैग मेरा, स्वैग मेरा, स्वैग मेरा, स्वैग मेरा, स्वैग मेरा, स्टाइल किलर मेरी स्माइल। और इस चीज के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इस चीज पे कुछ नहीं बोलने का। मास्क एकदम मास्क, अभी आएगा आंटी की घंटी पार्ट 9, रुके हुए हैं। तो चलते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज आ रहा है भाई से। हाँ भाई गुस्से में, भाई गुस्से में, क्योंकि बिग बॉस में किसी ने लड़ाई कर दिया, मारपीट कर लिया और भाई ने गुस्से के साथ आके बोला कि भाई ऐसा अगर और एक बार करेगा तो घर से निकाल लेंगे। ये मीम बन सकता है, जब तुम्हारे पापा को तुम्हारे रिजल्ट पसंद नहीं आए, ऐसा अगर और एक बार करेगा तो घर से निकाल लेंगे। जब तुम अपने मम्मी के सामने पानी पी के खाली बॉटल रख के जा रहे हो बिना भरे, ऐसा अगर और एक बार करेगा तो घर से निकाल देंगे। जब तुम अपने दोस्त के घर जा रहे हो और उसके इकलौता मैग्नम आइसक्रीम खा रहे हो, ऐसा अगर और एक बार करेगा तो घर से निकाल देंगे। ये थोड़ा स्पेसिफिक है नहीं, सॉरी 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 सॉरी। तो चलिए अगला न्यूज पे चलते। अगला न्यूज आ रहा है दीपक कलाल से। हाँ, नुमान खान का भल्लाल दीपक कलाल इंडियाज गॉट टैलेंट में गए। हाँ, पहले अजित लाइकर, अभी दीपक कलाल। हाँ, वही दीपक कलाल जो तनुश्री और नाना पाटेकर की कॉन्ट्रोवर्सी में ये बोला, लेकिन नाना के साथ वो मना करी, क्यों? क्योंकि वो दिखने में स्मार्ट नहीं, उसकी बदबू आती है, उसको 56 टिकली है चेहरे पे, वो उसकी चॉइस है, वो नहीं करी। उसका नाम है नाना पाटेकर, इसीलिए वो नाना करी। हाँ, तेरे लिए तो वो हाना पाटेकर है ना। अरे सीरियस ब्रो, कुछ भी मजाक के लिए कुछ भी। हाँ, वही दीपक कलाल जो करण जौहर के साथ अपना पहला मूवी करने वाला था। तो फिल्म का नाम जो है वो शहजादा है। शहजादा, प्लीज मुझे जीने दो, प्लीज इसको वायरल मत करो, इसको वायरल मत करो फैंस। देखो दीपक भाई, आपको ऐसा देख के मेरे मन से सिर्फ एक ही बात आ रहा है, बट मैं वो ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, भुवन भाई बताएंगे। तुम ही बताओगे। मेरे शहजादे के लिए शेरवानियाँ दिखाओ, शहजादे के लिए शेरवानियाँ दिखाओ। तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपका कोई ओपिनियन या फीडबैक है तो कमेंट में बता देना। अगर इस वीडियो के ब्लूपर्स देखना चाहते हो या कोई रैंडम फन चीज देखना चाहते हो, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, BHU'S, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे मैं कुछ अलग डालने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी नहीं तो जल्दी आएगा। मेरे साथ बात करना चाहते हो या लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करना चाहते हो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @BHU'S Logics। तो ये थी वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और मिलते अगले वीडियो या लाइव स्ट्रीम में या सेकंड चैनल के वीडियो में। हकुना मटाटा। Ta-da!
स्वैग मेरा स्टाइल है, किलर मेरी स्माइल है, ढिंचक पूजा बनने के लिए। अरे यार नहीं हो रहा यार, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, बाय।